Hello everyone, today I am going to show you how to draw the human heart step by step, right? I recommend it to all the classes, not especially 9, 10th, 11, 12th, from 6th to 12th onward. Just see, हम लोग कैसे ड्रा करेंगे. हर एक क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट रहता है, थोड़ा सा बच्चों को इसमें डिफिकल्टी लेवल बनता है कि सर कैसे ड्रा करना है. तो मैं आपको बेसिक स्किल्स पे बात करूँगा कि आपने स्टार्ट कैसे करना है. देखिए, जैसे हम लोग सबसे पहले ना, हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं. 4 चैम्बर हार्ट होता है ह्यूमन का. तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लस वाला साइन मतलब 4 चैम्बर शो करने की ट्राई करेंगे. ये हम 4 चैम्बर हार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे प्लस बना देंगे, ये प्लस है हमारे पास. तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट शो हो रहा है, राइट. तो अब हम लोग ना इसके पैरेलल ही रन करेंगे. मान के चलो, जैसे जी प्लस साइंस का मतलब है कि इसके 4 चैम्बर शो हो रहे हैं. जैसे एक ही चैम्बर आ गया, एक ही चैम्बर आ गया, एक ही चैम्बर, एक ही चैम्बर, 4 चैम्बर शो हो गए. बट इसके पैरेलली आप लोग 4 डॉट लगाएंगे. एक डॉट यहाँ पे लगाएंगे आप लोग, ठीक है. तो सीधा स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ खींच लेंगे, राइट. और एक डॉट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है. और स्ट्रेट पैरेलली इससे एक लाइन यहाँ खींच लेंगे, ठीक है बेटा. और एक डॉट आप लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है. और स्ट्रेट एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, राइट. और एक डॉट आप लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, इसके पैरेलली. और एक लाइन ऐसे खींच लेंगे आप लोग यहाँ, करेक्ट. चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे ड्रा करना है इसको. बच्चे आप लोग, जैसे हमें पता है कि ह्यूमन में 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है. अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को ना थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे. एक डॉट यहाँ लगा देते हैं, एक डॉट यहाँ लगा देते हैं, और एक डॉट हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है. 2 डॉट हमने लगा दिए. अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं ऐसे करके, ठीक है. इतना पॉइंट हमने ऊपर ले लिया, राइट. और इसके पैरेलली सेम उतनी ही लाइन हम खींच लेंगे ऐसे, ठीक है. और इसको ऊपर से क्लोज़ कर देते हैं, राइट. और यहाँ से ना थोड़ा सा आप लोग सी शेप कर्व बनाने की कोशिश करेंगे, राइट. और अब हम लोग देखेंगे इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट से ना थोड़ा सा आप लोग यहाँ से ऐसे कर्व करेंगे, राइट. जैसे हम लोग टॉप पे गए तो जस्ट इसके पैरेलल एक पॉइंट हम खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ तक एक लाइन खींच लेते हैं, राइट. और एक पॉइंट हम सीधा यहाँ से खींच लेते हैं ऐसे, राइट. और इसको ऐसे टर्न कर देते हैं यहाँ से, करेक्ट. देखिए बेटा, अब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा मैच कर लेते हैं ऐसे इस पॉइंट के साथ, ठीक है. और ये एक सर्कुलर मूवमेंट शो करेगा ऐसे जैसे, करेक्ट. देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं, इसको क्लोज़ कर दिया. फिर अब हम लोग यहाँ से ना एक लाइन खींचेंगे यहाँ के लिए, ठीक है. यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे करके, राइट. और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे आगे, और यहाँ से भी एक लाइन लेंगे, फिर यहाँ से भी एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से भी एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, राइट बच्चे. अब देखिए बेटा, अब इन लाइंस के जस्ट पैरेलल हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं. यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, और उसी के पैरेलली एक लाइन ये खींच लेते हैं, ठीक है. एक लाइन ये खींच लेते हैं, एक लाइन यहाँ पे, और एक लाइन ये, करेक्ट. इनको क्लोज कर लीजिए, राइट. अच्छा, यहाँ तक सबका हो गया. देखिए अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने यहाँ पे आना है, थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर लेना है हमने. यहाँ से ऐसे खींचेंगे इसको यहाँ से, ठीक है. और थोड़ा सा यहाँ से नीचे लाएंगे और ऐसे करेंगे, ठीक है बच्चे. और फिर यहाँ से हम लोग एक पॉइंट लेंगे इस तरह से, इस लाइन को बच्चे कंटिन्यू करते हैं हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है. और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ऐसे यहाँ तक. अब बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसे जैसे एक लाइन खींचेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है. और ऐसे बना देते हैं उसको,
राइट। और इस लाइन से अब हम आगे ऐसे खींचेंगे कुछ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट खींचेंगे, ठीक है, और कुछ स्ट्रेट लाइंस आगे के लिए, थोड़ी कर्व शेप, और इन लाइन के साथ मैच करने के लिए हम स्ट्रेट यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से लाइन खींचेंगे ऐसे करके, ठीक है। फिर जस्ट यहाँ से थोड़ा सा मुझे इस लाइन को हम लोग यहाँ से खींचेंगे आगे कुछ ऐसे, देखिए ऐसे करके, ऐसे लाइक दिस, ठीक है बेटा। और सिमिलरली यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे हम लोग ऐसे, लाइक दिस। बच्चे इस डायग्राम का अब लास्ट स्टेप रहता है, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, इस वाले पॉइंट पे आएंगे यहाँ पे देखिए, और यहाँ से हम कुछ एक एरो ऐसे लेंगे, ठीक है, और एक एरो यहाँ पे ऐसे लेंगे, ठीक है, और उसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस डायग्राम का। और यहाँ से आप कुछ वी शेप बना दोगे ऐसे, और यहाँ पे भी एक वी शेप बना दोगे, राइट। और ये जो एरो है यहाँ पे थोड़ा ऐसे खींच लेंगे इसका, और इसको ऐसे खींच लीजिए, और यहाँ पर ये कुछ योटल फॉर्म्स होती हैं, ये बना लें आप लोग, डन। अब हम इसकी वॉल्व बना लेते हैं बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्व्स होती हैं, जैसे एक यहाँ पर प्रेजेंट होगी, राइट, और एक यहाँ पर प्रेजेंट होगी, और एक यहाँ पर प्रेजेंट होगी, राइट। बच्चे अब हम इसमें थोड़ा सा पल्मोनरी वॉल्व्स बना लेते हैं, कुछ इस तरह होती हैं, देखिए राइट, और यहां पर भी बना लेंगे आप लोग, मुझे आप डायग्राम्स तो बन गया। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं, देखिए जैसे ये हमारा पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये हमारी आती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये जो आपको दिखती है दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व दैट इज अ एओर्टिक वॉल्व, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, एओर्टिक वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, राइट, दैट इज इंफीरियर वेना केवा, लोअर बॉडी पार्ट से जो ब्लड आ रहा होता है, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, और अपर बॉडी पार्ट से जो ब्लड आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, दैट इज पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, राइट, एंड दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है बच्चे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, फोर चैम्बर हार्ट होता है हमारा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख देंगे राइट ऑरिकल्स, ठीक है, राइट एट्रियम्स भी बोल सकते हो आप लोग, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम्स, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है दैट इज राइट वेंट्रिकल्स और दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है बच्चे। तो आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई ह्यूमन हार्ट की। तो ये वाला थोड़ा मस्कुलर पार्ट होता है, थिक पार्ट होता है, क्योंकि इस वॉल पे ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है बेटा। आपका ह्यूमन हार्ट का डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू बेटा।